हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ सांभर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब तुअर दाल ली है और इसे अच्छे से धोने के बाद मैंने इसमें एक कप के करीब पानी डाल के इसे 10 मिनट के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट बाद हम अपनी दाल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसे हम कवर करके पहले हाई फ्लेम पे एक सीटी आने तक पकाएंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम को हम लो मीडियम कर देंगे और इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। जब तक हमारी दाल जो है उबल रही है, हम यहाँ पे अपनी दाल के लिए तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें 2 टीस्पून के करीब जीरा डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे और जैसे ये तेल में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, हम इसमें लहसुन डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट यूज़ किया। इसे अच्छे से भून लें आप। तो लहसुन यहाँ पे हल्का सा गोल्डन हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे 5 से 6 कड़ी पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। इन्हें अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ पे 2 प्याज लिए मैंने यहाँ पे और इन्हें स्लाइसेस में कट किया। तो प्याज के डालने से पहले मैं हींग डालना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हींग डाली है। आप प्याज के डालने से पहले ही हींग को डालें। इस पॉइंट पे आप कोई भी अपनी पसंद की सब्जी डाल सकते हैं, जैसे कि घी या पेठा। आप दाल को उबालते वक्त भी डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, भिंडी, बैंगन, जो भी आप, या फिर ड्रमस्टिक्स। मुझे पर्सनली सांभर में सब्जियां पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने कोई सब्ज़ी नहीं डाली। आप चाहे तो अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। तो प्याज के भुनने के बाद हम यहाँ पे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और 2 टीस्पून सांभर मसाला। यहाँ पे मैंने बाज़ार का रेडीमेड सांभर मसाला यूज़ किया। और मसालों को 2 मिनट तक भुनने के बाद हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर जो कि मैंने कद्दूकस करे हुए यूज़ करे हैं, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है टमाटर को पकाने के लिए। तो टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल ना। तो यहाँ पे टमाटर जो है वो पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने इमली का पानी जो है वो डाला है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब इमली ली थी और उसे मैंने भिगो के रख लिया था। तो यहाँ पे सारा पानी मैंने इमली का डाल दिया है। अब इसमें हम एक बॉईल आने तक इसे पकाएंगे। जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाएगा, अब हम इसमें अपनी दाल को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सांभर में एक अच्छा सा बॉईल आएंगे और इसके बाद आप अपनी जो कंसिस्टेंसी है सांभर की वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चावलों के साथ खाना है तो आप इसे थोड़ा पतला कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद सांभर जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसकी कंसिस्टेंसी को पानी डाल के पतला कर सकते हैं। और हमारा सांभर जो है पक के तैयार है। अब आप इसे डोसा, चावल, उत्पम, जो भी आपको पसंद हो आप उसके साथ खाएं। और अगर आपके लिए ये रेसिपी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।